गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैंने ट्रेड लिया है बजाज फिनेंस का। मैंने कॉल बाय किया है, कॉल बाय किया है 5,000 का। अभी ये मैं आपको बता सकता हूँ, मेरा ट्रेड, ये ट्रेड है 227 रुपये पे मैंने कॉल बाय किया हुआ है बजाज फिनेंस अप्रैल 5,000 CE। अब ये देखते हैं आज ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसने एक अच्छा, ये जो अप ट्रेंड दिया है यहाँ से, ये आज चलना चाहिए। इसमें अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है मुझे, तो अब जो कल का हाई है वहाँ तक भी अगर ये पहुँचा तो मैं यहाँ एक अच्छा खासा अमाउंट मुझे मिल सकता है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो कि अभी अगर मैं ये दिखाऊं, ये बजाज फाइनेंस अभी जो मेरा टारगेट था 5050 के आसपास, वो पहुंच गया है। और मैं यहाँ से अभी एग्ज़िट करूँगा। एट द सेम टाइम मैंने बैंक निफ्टी में भी पोजीशन लिया हुआ है, तो आई विल कीप दिस टू सेल एट 245 245 So let's see if goes up that. So yes, it's showing some retracement, but look, I'm looking to go above that 5050. Actually, I wanted to exit at that time, but I couldn't exit at 404 245. So I am again waiting for that. At the same time, I have taken the another call in Bank Nifty. If you see this Bank Nifty trade, I have taken somewhere here around when it crossed 20 MA, and it is almost, I am expecting at least at this level, which is around 550. This is 575. So let's hope if it goes there. Even I will see what the situation over there, and then I will exit over there. But currently, I am making money in Bank Nifty around 3,500, 4,000, and Bajaj Finance also. I am expecting to go again. Resume the trend. So again, I will stop my recording here and I will be back exactly when I will exit.
तो दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरा ट्रेड जो मैंने बजाज फाइनेंस में लिया था 2845 का मेरा एग्जिट था। एक्चुअली मैंने बाद में मेरा चेंज करके 243 कर दिया था, तो अब वो 249 भी पहुंच गया है, तो 250 हो गया है। आप देख रहे हैं कि बजाज ने अचानक से पहले नीचे आया और फिर अब जाके यहाँ से कुछ अच्छी मूवमेंट दी है, लेकिन चूंकि ये मार्केट नीचे आ रहा था और मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैंने अपना टारगेट को थोड़ा सा नीचे करके ये करी, लेकिन मेरा टारगेट अचीव हो गया है। इंट्राडे टारगेट था, और क्योंकि ऑप्शन में था, ऑप्शन में कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके सोचना पड़ता है, क्योंकि आप प्राइस को मार्केट रेट पे स्क्वेयर ऑफ नहीं कर सकते, आपको प्राइस लगा के रखनी पड़ती है, वो आएगी कब आएगी पता नहीं होता है। इस वजह से मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा अर्ली एग्जिट कर लिया। अब पूरा दिन का ट्रेड आप मुझे आप देखेंगे तो मुझे 10,000 का आज का मेरा प्रॉफिट हो गया है, और एक ट्रेड अभी मेरा चल रहा है, ये मैंने 360 के स्टॉप लॉस से लेके रखा हुआ है। अगर नुकसान होता है तो मेरा कुछ 600 रुपये का नुकसान होगा, या फिर 600 रुपये का फायदा। अभी जो आगे मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, अगर ये चलता है तो ठीक है, या फिर 600 रुपये का मेरा नुकसान होगा। अब मैं मेरा आज का ट्रेड यहाँ ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू, गुड बाय।